अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इडियम एंड अ प्रोवर्ब। जबान कोई भी हो, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही, उर्दू है, फ्रेंच है या कोई भी लैंग्वेज है, उसमें इडियम्स और प्रोवर्ब दोनों का ही कम्बिनेशन होता है जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्योंकि इंग्लिश के हवाले से देख रहे हैं तो हम उस पैरामीटर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक इडियम में जो हम इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं अपनी रूटीन में और एक प्रोवर्ब में, ये आपके सिलेबस में भी आता है, आपकी स्टडीज का भी हिस्सा है और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रूटीन में भी आता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? इडियम यानी कि मुहावरे, पहले इसको जरा देखते हैं कि एक इडियम में आपकी एक अप्रोच होती है, तंजिया अप्रोच उसके अंदर होती है। आप एक तंज कर रहे होते हैं उसके अंदर, आप एक फिक्रे के अंदर, जैसे मैंने इसमें एक इडियम लिखा हुआ है, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। ऑब्वियसली ये एक तंज किया जा रहा है, ये एक रियल सिचुएशन नहीं हो सकती। कोई इंसान इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का ये मतलब नहीं है कि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, ये हम तंज कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, रिजेम्बलेंस दे रहे हैं कि उसके आंसू इतने झूठे जैसे कि मगरमच्छ के आंसू होते हैं। तो इसमें एक तो ये अप्रोच होती है जिसमें टॉन्ट या तंज किया जा रहा है। इसके बाद ये एक करंट सिचुएशन को डील करता है। कैसे? यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ही इज शेडिंग, तो ये सिर्फ उस बंदे के लिए, उस लम्हे के लिए मैं कह रहा हूं, या ही वाज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है कि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था उस दिन या उस वक्त। तो ये जो इडियम होता है ये स्पेसिफिकली इसके एक टाइम पीरियड है, ये करंट सिचुएशन को डील करता है जो किसी शख्स की या चीज की है, इसके अलावा इसका कोई टाइम नहीं होता, ये नहीं होता कि ये हमेशा रहेगा। सो इडियम का एक ये कि ये करंट सिचुएशन के हवाले से जो आपकी सूरत हाल जा रही है, उस सूरत हाल को डिफाइन करने के लिए आप एक मुहावरे में उसको बयान कर देते हैं। या जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए लिखी था इसी में डिफाइन कर, जैसे कोई रो रहा है तो हम कहेंगे वो झूठा रो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो इस टाइम गलत, मतलब झूठा रो रहा है तो फेक है ये, तो हम कहेंगे इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। इसी तरीके से इसमें एक सेंटेंस पूरा आता है, मतलब ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, ये पूरा एक फिक्रा लिखना पड़ेगा तब एक इडियम अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। तो एक इडियम में एक कंप्लीट सेंटेंस का आना जरूरी है और ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करता है। प्रोवर्ब यानी कि ज़र्बुल मिसल, इसका क्या मीनिंग है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसमें जो हम पहली चीज देखते हैं, एक तो ये कि ये मॉरल एंड सोशल मैसेज होता है इसके अंदर, ये कोई तंज या मजाक नहीं होता, इसके अंदर एक मैसेज है एक मॉरल सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए जो हमेशा रहेगा। सेकंड इसका जो है अफॉरवर्ड सिचुएशन, यहां पर था ना आपने टेम्परेरी सिचुएशन को डील किया था कि ये उस बंदे की वक्ती सूरत हाल थी, वो आंसू बहा रहा है बस, ये एक फॉरएवर सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा हेल्थ इज वेल्थ, के सेहत जो है ये बड़ी हजार नेमत है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक तो ये देखें कि इसमें सोरल, इसमें एक मैसेज है, हम देख सकते हैं सोशल एंड मॉरल मैसेज है इसके अंदर, इखलाकी मैसेज है, समाजी मैसेज है, ये हमेशा रहेगा, लॉन्ग टर्म मैसेज है इसके अंदर, फॉर एवर, ये नहीं है कि आज है तो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, आप कभी भी सालों बाद भी इसको बोल सकते हैं और किसी के लिए भी बोल सकते हैं। यहां पर जो था ये स्पेसिफिक बंदे को डिफाइन करता है सिचुएशन को। ये जो होता है मैसेज, ये तमाम लोगों के लिए होता है, इसमें कोई ये नहीं होता कि इस बंदे के लिए है तो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, उस पर है तो इस पर नहीं, ये तमाम लोगों के लिए ये एंटायर सिचुएशन को डील करता है, जबकि ये एक स्पेसिफिक किसी करंट बंदे को डील करेगा। दूसरी बात इसमें जो लास्ट है वो ये देखें कि इसमें शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, अमूमन तीन से चार वर्ड्स होते हैं, टिट फॉर टैट, हेल्थ इज वेल्थ, डू एंड डाई, मतलब ये एक सिचुएशन को डील करता है जब आपने हाँ या ना में जवाब देना होता है, और मिनिमम हार्डली इसके अंदर मैक्सिमम जो हम वर्ड लेते हैं तीन से चार, इससे ज्यादा अल्फाज नहीं होते, जबकि ईडियम में आपको बाज़ुकात एक पूरी सिचुएशन को डील करना पड़ता है, जैसे बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बात करना। अब आप इसके अंदर पूरा फिक्रा बनाएंगे तब इसका मीनिंग कन्वे होगा, आप खाली इसको इस तरह से नहीं बोल सकते कि अपना, जैसे हम एन एप्पल ऑफ वन आए, आंख का तारा होना, आप ये सिर्फ नहीं बोल सकते, आपको पूरे फिक्रे में बोलना पड़ेगा, ही इज वेरी बिलव्ड एंड ही इज एन एप्पल ऑफ एवरीवन आई, तो आपको पूरे फिक्रे में इडियम डिफाइन करना पड़ता है। प्रोवर्ब को डिफाइन करने के लिए कोई फिक्रों की जरूरत नहीं होती, आप एक एक खाली भी लिख दें तो इट कैन बी एक्सेप्टेबल एट एनी सिचुएशन। तो ये मैंने एक डिफाइन किया आपको इडियम और प्रोवर्ब का फर्क। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक आपके सामने मौजूद है जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको ए टू जेड तमाम वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, उसके लिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ये 3 मंथ का कोर्स है, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आती है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।